अभी कुछ समय पहले भारत की सूचना प्रसारण मंत्री ने सरकार की तरफ से, सत्ताधारी दल की तरफ से, कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के अमेरिका में बर्कले विश्वविद्यालय में भाषण पर आलोचना की। हमें आपत्ति है जिन विषयों पर आलोचना की गई है। ये सार्वजनिक है कि सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी स्वयं, उनकी कोई विशेष उपलब्धियां नहीं हैं, वो मानव संसाधन मंत्री के रूप में विफल रहीं और आज भी जो विभाग उनको मिला है अगर चला लें शालीनता के साथ और विनम्रता के साथ तो हमारी शुभकामनाएं। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर श्री राहुल गांधी ने जो कहा है वो भारत की 70 साल की उपलब्धियों के बारे में कहा है। भारत के सामने मौजूदा चुनौतियों पर उन्होंने अपनी विचार व्यक्त किए हैं और उसके साथ साथ जो देश के अंदर वर्तमान वातावरण है, माहौल है, इसको अन्यथा लेना, इसकी आलोचना करना, इस पर आपत्ति करना हास्यप्रद है। ये एक वास्तविकता है कि हिंदुस्तान ने 15 अगस्त 1947 के बाद 70 साल में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, बड़े ऊंचे लक्ष्य इस देश की जनता ने, इस देश के नेतृत्व ने, इस देश के वैज्ञानिकों ने, इस देश के अध्यापकों ने, इस देश के मजदूरों ने देश के लिए प्राप्त किए। भारत दुनिया के अग्रिम पंक्ति के राष्ट्रों में खड़ा हुआ, भारत की पहचान पूरी दुनिया में हुई। आज़ादी के बाद के हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता से एक बुनियाद रखी गई आधुनिक भारत की। क्या इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी सूचना प्रसारण मंत्री इनकार कर सकती हैं कि वही समय था जब नेहरू की सोच से भारत में उच्च शिक्षा के संस्थान बने, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस। मैंने कुछ उदाहरण दिए जिससे भारत विश्व में एक अंतरिक्ष शक्ति बना। भारत जब सूचना प्रसारण की एक बड़ी क्रांति दुनिया में आई तो आईटी और टेलीकॉम में विश्व में भारत ने एक नेतृत्व की जगह हासिल की। हम एक परमाणु शक्ति बने जिसकी पहचान दुनिया ने की। अगर आज हम एक राष्ट्र के रूप में स्मरण नहीं करें अपनी उपलब्धियों का, वो अपने आप में एक शर्म की बात होगी। उसके साथ साथ आज देश के सामने चुनौतियां हैं। हमारे देश की एक सोच रही है हमारी विविधता को देखते हुए, अनेकता को देखते हुए ये देश एक सूत्र में पिरोया गया, बावजूद इसके कि भारत का एक बड़ा दुखद बंटवारा हुआ था जब हमने आज़ादी हासिल की, जब लाखों लोग बेघर हुए, हिंसा का शिकार हुए। उस वातावरण से देश को उभार कर इन ऊंचाइयों पर ले जाना भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो एक राष्ट्रीय दल के नेता को देश के बाहर जाकर अपने देश के बारे में कहना एक सही बात है। इसकी सराहना की जानी चाहिए, इसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए। हम कारण समझ सकते हैं आलोचना का। ये कारण इसलिए है कि आज का सत्ताधारी दल और भारतीय जनता पार्टी का कोई रिश्ता भारत की आज़ादी से, हमारे संग्राम से, और विशेष तौर पे जो निर्णायक संघर्ष था भारत छोड़ो को महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उसका विरोध करने का तो इनको बदनामी है इतिहास में, इनको कोई श्रेय कुर्बानी देने का नहीं है। श्री राहुल गांधी ने अगर आज के वातावरण पर टिप्पणी करी, वो कोई प्रधानमंत्री को नीचा नहीं दिखाया। राहुल गांधी ने एक स्टेट्समैन की तरह से स्वीकार किया
जहां खामियों को भी स्वीकार किया, वहां ये भी कहा कि प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। वो प्रधानमंत्री कि अगर आलोचना भी की जाए तो प्रजातंत्र में वो स्वीकार्य है और न्यायोचित है। आज दुनिया बदली हुई है, दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर कोई घटना होती है तो तकनीक के माध्यम से पूरे विश्व में वो बात फैलती है। आज भारत में जो कुछ हो रहा है, एक समाज के अंदर विघटन, विभाजन, घृणा, हिंसा, लोगों पर एक विचार को थोपने का प्रयास और प्रश्न करने वाले को प्रताड़ित करना, अपमानित करना और हिंसा का निशाना बनाना, ये एक हकीकत है आज के हिंदुस्तान की जो दुनिया जानती है, वो छुपाई नहीं जा सकती। प्रधानमंत्री और उनके प्रचार तंत्र देश के अंदर इस बात को दबा सकते हैं, पूरी दुनिया में इसके बारे में लिखा जाता है, बड़े बड़े दुनिया के अखबारों में एडिटोरियल इस पर लिखे जा रहे हैं। तो इसमें कौन सी ऐसी बात कह दी? ये चिंता की और चुनौती की बात तो देश के सामने है। अगर भारत का समाज एक नहीं रहेगा, समाज में तनाव टकराव रहेगा, हमारे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण बनेगा असहनशीलता का, तो किस तरह से देश आगे बढ़ेगा? कौन ऐसे समाज और देश में निवेश करेगा और आर्थिक संबंध बनाएगा जिसमें निरंतर भय का वातावरण हो, जिसमें लोगों को ये कहा जाए कि क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या बोलना है, और विचार भी व्यक्त करने हैं तो कौन से करने हैं? सत्ताधारी दल के विचारों से अगर आपकी असहमति है तो आपकी राष्ट्रभक्ति पर चुनौती दी जाती है। उन्होंने ये तमाम बातें ऐसे नहीं कही विस्तार से, पर मैं इस बात को यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने देश का सम्मान बढ़ाया है विदेशी धरती पर। देश का अपमान बाहर की धरती पर अगर किया है किसी व्यक्ति ने, वो श्री नरेंद्र मोदी ने निरंतर किया है, बार बार किया है, एक प्रधानमंत्री के रूप में किया है। क्या ये सच नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी प्रथम विदेश यात्रा पे उन्होंने कहा था कि मुझसे पहले भारत की छवि एक भ्रष्ट राष्ट्र की थी? ये कहा था या नहीं कहा था? दूसरा, कनाडा में टोरंटो में जब ये गए थे तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि इससे पहले भारत की तस्वीर एक ऐसे देश की थी जो हाथ में कटोरा लिए घूमता था, भीख मांगता घूमता था। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। हमने तब इसी मन से कहा था कि प्रधानमंत्री जी देश के बाहर जाके देश का अपमान करना बंद करें। उन्होंने अपने से पहले जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री रहे उनको अपमानित किया, देश की उपलब्धियों को नगण्य बताया और आज तक बताते हैं। कभी ये नहीं कहा कि भारतवर्ष ने बड़ी उपलब्धियां की, बड़ी संस्थाएं बनाई, एक पहचान भारत की हुई। वो आज भी ये कहते हैं कि इससे पहले भारत की पहचान नहीं थी। एक मानसिकता है, एक ऐसी मानसिकता जिसको मैं स्वस्थ मानसिकता नहीं मानता। प्रधानमंत्री ने चीन के अंदर और उसके बाद कोरिया के अंदर ये कहा कि मुझसे पहले और इससे पहले भारत के लोग जब विदेश में आते थे उनको अपने आप को भारतीय कहने में शर्म आती थी। सो वी आर सरप्राइज्ड एट द क्रिटिसिज्म विच इज़ अनवॉरंटेड एंड अनजस्टिफाइड दैट हैज़ बीन मेड बाय द गवर्नमेंट एंड द रूलिंग पार्टी। द स्टेटमेंट्स एंड इश्यूज रेज्ड बाय Union Information for Broadcasting Ministry betrays her ignorance of history and her eagerness to be an apologist for a prime minister who has betrayed the country. Shri Rahul Gandhi had only spoken about the proud achievements of India since independence, and thanks to the vision or Jawaharlal Nehru and the successive prime ministers, that we laid the foundations of a modern nation state, built institutions of excellence,
which are acknowledged and recognized. We produced our men and women who could compete with the rest of the world, which was demonstrated when the communication and the IT revolution swept the world in the late 80s and 90s. So what is wrong in talking about India's proud achievements, that India became a space power, a nuclear power? We were able to raise our economy through our efforts and efforts of the Indian citizens to point that we became the first 10 economies of the world and the third largest economy of the world today in PPP terms, in purchasing power parity. These are facts which cannot be contradicted, which cannot be contested or denied. If today India is acknowledged and respected as a space power and a nuclear power, the credit belongs to this country, but the credit also belongs to those who had the vision and the courage to take those decisions. It is the present Prime Minister who is guilty of insulting India on foreign soil. It is wrong to accuse Shri Rahul Gandhi of having said anything which is belittling. It again betrays the streak of intolerance towards criticism by the BJP and the present government. Prime Minister had called the country corrupt on his first foreign visit. He had said that India was recognized in the world for carrying a begging bowl in the hand. He had said that before him, nothing was done which could earn India the recognition of the world and respect of the world. He had also said that the Indians used to feel ashamed to accept and to own that they were Indian citizens on foreign soil. These are the words of Shri Narendra Modi. Instead of criticizing us, today is the time for Prime Minister and his apologist ministers to reflect and apologize to the country for having such words on foreign soil. कई बातें और भी कही गई, पर मैं पहले चुनौती की बात कहूँ। ये एक वास्तविकता है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। देश में लाखों नहीं करोड़ों नौकरी टूटी हैं। अधिकांश असंगठित क्षेत्र में नोटबंदी के बाद, उसके साथ जीएसटी की वजह से परेशानियां आई हैं। वो परेशानियां कुछ समय तक रहेंगी देश के सामने, वो तकलीफ रहेगी। पर हैरानी इस बात की है कि श्रीमती स्मृति ईरानी ने जीएसटी पे सरकार की बड़ी उपलब्धि तो कहा, पर आलोचना कांग्रेस की और कांग्रेस की नाकामयाबी बताई कि जीएसटी पहले नहीं आ पाई। जीएसटी कांग्रेस ने इसकी पेशकश की, कांग्रेस ने इसको लिखा लाया, कांग्रेस की सरकार ने निरंतर प्रयास किया एक आम सहमति बनाने का, पर जीएसटी भारत में इसलिए लागू नहीं हो पाई क्योंकि एक राज्य, सब राज्यों ने नहीं, स्मृति ईरानी अनभिज्ञ है, इतिहास के बारे में तो उनको ज्ञान है नहीं, पर वो तथ्यों से भी खिलवाड़ करती हैं। एक राज्य ने विरोध किया, उस गुजरात राज्य ने, वहाँ भी उनके मुख्यमंत्री ने, जो श्री नरेंद्र मोदी आज के प्रधानमंत्री हैं, 7 साल विरोध किया ये कहकर कि असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है और संघीय प्रणाली के खिलाफ है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इसलिए टकराव ना हो और पूर्ण सहमति बने, सर्वसम्मति हो, जीएसटी में बाधा आई और देरी हुई। अगर आज जीएसटी एक वास्तविकता है
उसका कारण स्पष्ट है, देश में एक परिवर्तन आया, केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं, मानसिकता का परिवर्तन। पहले जो बीजेपी की विपक्ष में मानसिकता थी, वो प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मानसिकता और सोच नहीं है। हमने राष्ट्रहित को सर्वोपरि समझा और इसलिए हमने रजामंदी दी अपनी संविधान में संशोधन लाने की। मैं आज इस बात को दोबारा दोहराना चाहता हूँ, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं चाहती और अगर हमारी भी प्रवृत्ति श्री नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की तरह होती, तो कोई भी संविधान में संशोधन तब और आज भी भारत में संभव नहीं है बिना कांग्रेस पार्टी के और बिना प्रतिपक्ष के। सो आई वॉन्ट टू मेक इट एब्सोल्यूटली क्लियर दैट दिस टॉक ऑफ जीएसटी बीइंग द एक्सक्लूसिव अचीवमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी is distortion of facts and a statement of arrogance. It was the Congress which authored the GST, which introduced the GST. We tried to build a national consensus. We did not succeed because of the opposition and a very militant opposition of the chief minister of one state and one state, that is Gujarat, Shri Narendra Modi, who termed GST unconstitutional, anti-national, against the federal spirit. And the only difference is that the Indian National Congress recognized and upheld the supreme national interest and agreed to support the constitutional amendment. GST could not have come, no laws on the GST without amending the constitution. And amending the constitution of the republic, when GST amendment was passed, and even today, is not possible without the cooperation and support of the Indian National Congress and the combined opposition. So the difference today is that you have opposition which is constructive, which is responsible, and which is mature. And what is the objection to this being said that demonetization hurt the Indian economy? Economists in India and economists worldwide have written about it. Shaving off 2% of India's GDP, who's accountable for that if not Shri Narendra Modi, who forced the Reserve Bank of India to call a meeting of the Board of Governors the same day, and within hours, a body blow was delivered to the Indian economy. And it's not 2% only, it's 3.5 lakh crores, which was lost. Millions of people lost their jobs. On record, more than 100 died standing in queues. There's no number which has been documented of those who committed suicides. How many families stood ruined? This is something which has been commented adversely worldwide. So if Smriti Irani ji ko ye gyan nahi ke notbandi ke baad desh mein kya अर्थव्यवस्था चरमराई, कैसे करोड़ों लोगों के रोजगार टूटे, सैकड़ों लोगों की मृत्यु मौत हुई, भारत की जीडीपी का 2% टूट गया, और जो कहा था उस समय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जिस पे इनको आपत्ति थी, वो सत्य साबित हुआ। हम नहीं चाहते थे कि वो सच हो, पर हमने इनको चेताया। इस नोटबंदी को अपनी उपलब्धि मानते थे, चार कारण बताए थे कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, काले धन को समाप्त करना, नकली नोट को ख़त्म करना, और जो आतंकवादियों को फंडिंग है उसको समाप्त करना। वो चारों बातें पूरी नहीं हुई, पैसा बैंक में वापस आ गया। वो ना तो काला धन था, काला धन तो कोई बैंक में जमा नहीं कराता, ना वो नकली पैसा था, नकली पैसा उसमें 0.02 भी नहीं निकला। रिजर्व बैंक ने बता दिया कि उसमें नकली नोट कितने थे। आतंकवादियों के पास आज भी पैसा है,
हफ्तों के अंदर ही 2000 के नकली नोट ढाका में और दूसरे स्थानों पर पकड़े गए और भ्रष्टाचार तो कहीं समाप्त हुआ नहीं। अगर प्रधानमंत्री एक दूसरी दुनिया में रहते हैं तो हमें मालूम नहीं। फिर हम बीजेपी को एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहते हैं, इस सरकार की गलत नीतियों का विरोध होगा और आलोचना होगी। अगर वो ये सोचते हैं कि वो तय करेंगे कांग्रेस के उपाध्यक्ष या कांग्रेस का नेतृत्व क्या टिप्पणी करेंगे या नहीं, या उनसे पूछ कर करेंगे, तो वो गलत फहमी का शिकार है। ये अपनी मानसिकता बदलें और आलोचना सुनना शुरू करें, शायद गलतियां कम करें। अगर आलोचना नहीं सुनेंगे, यहाँ हालत ऐसी है, एक पुरानी कहावत है कि जहाँ आलोचक और निंदक को प्रताड़ित किया जाता है और चापलूस और प्रशंसक को सुशोभित किया जाता है, वहाँ विनाश होता है। तो वही हम देख रहे हैं। जब कोई बात कही जाती है, कोई सवाल सरकार से किया जाता है, तो चापलूसों का ये दल, तब अधिकांश मंत्री वही हैं, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये नहीं कहते जाकर कि आप इसमें कोई पुख्ता बात है, ये नुकसान हुआ नोटबंदी से, ये नौकरी टूटी, ये अर्थव्यवस्था ख़राब हुई, ये कोई जीएसटी और जीडीपी के नंबर हम तो नहीं ला रहे, सरकार के आंकड़े हैं ना। उसका जवाब अगर हम मांगें तो उसमें क्या आपत्ति है। और एक चीज़ और कहना है, उन्होंने वंशवाद की बात करी, एक प्रश्न का उत्तर श्री राहुल गांधी ने दिया और उस पर जो प्रतिक्रिया है वो अपने आप में अजीबोगरीब है। वेल, आई वुड लाइक टू से वन थिंग, when द INB मिनिस्टर वॉज रेफरिंग टू श्री राहुल गांधीज रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस एंड अ रेफरेंस टू डायनेस्टी, यस इट्स ट्रू दैट देयर आर डायनेस्टीज इन इंडिया, दे हैव बीन डायनेस्टीज इन एवरी कंट्री ऑफ द रीजन, इन एशिया, इन यूरोप, इन अफ्रीका, in America, I'm talking of North America's, both United States of America and Canada. That is what North America is, even if you look at today. But I would like to say one thing, that when it comes to the Nehru-Gandhi family, there have been 5 generations in the service of the country. Jawaharlal Nehru did not think, nor Motilal Nehru, when he gave up all his riches, that India will become free and Congress party will become the ruling party of the country. Jawaharlal Nehru, when he went to British prisons, faced their lathis, remained in solitary confinement, did not think that he was going to be India's prime minister. After that, it is the people of India who elected Shrimati Indira Gandhi. I would like to educate the less literate in history, the minister, Smriti Irani, that Indira Gandhi was elected repeatedly by the people of India. And even after one aberration of 1975 to 1977, which is referred to by them, and we have given the reasons, which she herself had regretted and lamented, irrespective of the circumstances which were forced, she was brought back to the people in January 1980, again with a much, much bigger majority than what those, the Janata Dal of that time, along with the Bharatiya Jan Sangh got when 77 Mrs. Gandhi lost. If Rajiv Gandhi became the Prime Minister, he was elected. And let me also say it here, that after the oath of office
of Shri Rajiv Gandhi as the Prime Minister in January 1985. For 32 years, there is no member of the Nehru Gandhi family which has accepted or taken oath of office. Not that there is any bar. Shri Rahul Gandhi was also the member of parliament when UPA was in office. Shrimati Sonia Gandhi was elected as the leader. It was their conscious decision at that time. So it's not a question that if you are born, whether you are in public life or a civil servant or in judiciary or in business in India or anywhere in the world, that there is a bar the moment somebody's father or grandfather becomes a Supreme Court judge, that that person cannot practice law or become a judge. Or businessman's son should go out. Or those in public life should not be committed to public life. Where is the bar? If the great-grandson of Jawaharlal Nehru is as much committed to the idea of India which is Jawaharlal Nehru had, of India which is liberal, democratic, inclusive, secular. So what are they trying to tell by this criticism? That to be committed to the same ideology, to have the same vision of India, to have the same concerns about what's happening in the country, has some wrong been committed? We reject the criticism with the force of truth, facts of history, and with contempt for those who have neither contributed to make India what it is, but have only belittled and insulted the predecessors and all those great men and women who are responsible for building India of today. So if there are any questions, I'm more than happy to take. Dekhiye, if she has said so, then I would be surprised how would Smriti Irani describe the Prime Minister. Is the Prime Minister who is arrogant or authoritarian? If you accept your shortcoming, that maybe you there was a fallibility. Only a democrat will accept fallibility. An authoritarian person, arrogant person, will not say that we can be fallible or we may have also made some mistake. So it should be understood in the spirit. I do not expect the apologist information broadcasting minister, who was a disaster as India's HRD minister, which forced unrest in the campuses, violence on the students, and suicide by Dalit students, to make a truthful statement. Pardon? No, I'm not in a position to comment. That is a serious matter. But the real issue is that this government has fine-tuned the art of surveillance. This used to happen in the state of Gujarat. This has been happening in India. And I had raised it along with the other leaders of opposition on the floor of the House, which is the biggest breach when it comes to your fundamental rights, including the right to privacy. When telephones are tapped, mobile phones are tapped, leaders are put under surveillance, and they have lumpen elements threatening those who criticize the Prime Minister or the government. They are paid people who troll and abuse anyone who criticizes Shri Narendra Modi, the government, the BJP, its policies, or the RSS. That's the reality of the India we live in. So Smriti Irani has also said that why BJP president is stopping the nook and corner of this country.
Who is running the country? Narendra Modi. Is he not touring the world? Is his mouth shut when he travels outside India? So is Rahul Gandhi going to take Smriti Irani's permission? If Amit Shah is touring anywhere, it is his business. Have you ever heard I or my colleagues commenting where Amit Shah is? It is inconsequential. Amit Shah is there because he's the shadow or the alter ego of the Prime Minister. It is BJP's headache, if not for today, but then for tomorrow. This is not our concern. Yes, Prime Minister, yes, there is a big army of people who are recruited, whom Prime Minister follows, who troll Rahul Gandhi, who troll leaders in opposition and other critics. It's so well documented. Prime Minister's social media friends and the kind of language which they use. So it is a fact. You see, in late 1920s, the far right ideologically started fake news. There is a history of fake news. It began with America. Now, if you see India, now they can run a global university because the way it is done here now, rumors, how the distinction is made, and negatively so, between facts and a fiction is created, how individuals are defamed, how lies are spread. So this is something which has been mastered by the Prime Minister's friends. And surely the Prime Minister admires all his friends who abuse others. So it is for the PM has not denied that why is he following those who have vulgar mouths, those who use abusive language. So that Prime Minister yesterday was extolling the virtues of Swami Vivekananda. Has he read Swami Vivekananda or Swami Vivekananda's historic speech in Chicago? So if he had read it, if you go to Chicago, there's the town hall or the there on every stair, both the sides from the lobby, you will see illuminated a sentence each of Swami Vivekananda's speech. You go up and you are reading Swami Vivekananda. You go this side, you are reading Swami Vivekananda. But you cannot quote and not internalize his message. Did Swami Vivekananda ever talk of bigotry, hatred or violence? The answer is no. And Prime Minister, yesterday we saw the advertisements and fine, they are doing it. We have commented about it. But here is a Prime Minister whose government did not commemorate the 125th anniversary of India's first Prime Minister, Jawaharlal Nehru. They are commemorating, as a government, the centenary of a Bharatiya Jan Sangh president who was neither a freedom fighter, he may be their leader. They can do anything for him, Shri Deen Dayal Upadhyay ji. But a government which is not commemorating the centenary of a martyred Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi. This is Indira Gandhi's centenary here. She was the Prime Minister of India for 17 long years. What has happened? It's a government which is thick-skinned and intolerant. I'm not privy. I was in government, but even then I was not the Home Minister. No, I shall not even comment. It's a serious question. The Home Minister of India should comment, and if it is true, the government should disclose the evidence to the people. देश में कानून का राज है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, अदालत को अधिकार है सबको समन करने का, उनको बुलाया गया, उनको जाना चाहिए. सर, एक सवाल सर, रोहिंग्या मुस्लिम के ऊपर यूएन चीफ ने वो
देखिए Let me say this is a humanitarian crisis and a very sensitive issue. India historically has taken a very compassionate view of people who are victims of violence, who are displaced because of violence, or who are forced to flee their homes and seek refuge elsewhere. The present government should not do anything, act in a manner, or allow the ministers to say something which actually destroys that image of India as a country which is compassionate, which is tolerant, which is accommodating, and which has historically also given a refuge to victims of violence and torture. This is what I would like to say, and the government should be careful. It is for the concerned government from where they are fleeing to ensure that these people, when we see the pictures, these are not pictures of those who threaten anyone. So there has to be compassion. As Bangladesh has said, India should be careful about the sensitivities and the crisis which is unfolding before us. I would not like to go beyond this, but except to caution here, what the BJP or the RSS is trying to do, when we look at some of their leaders even making public statements or filing petitions, they must never stereotype or identify hapless victims of violence with insurgency and terrorism. There has to be a clear distinction made. Terrorists and insurgents can come from any religion, any community, any ethnic group. But then you can't damn that entire country or religion or people. BJP government should be careful about it. And that distinction should not be blurred. That distinction must always remain. Thank you.